तो भाई मेरे सबके सब भाई बहनों जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो सबका कैसे हो, अच्छे ही होंगे यार सबके सब। चलो आज हम करने वाले हैं, अच्छा फिर से हम फ्री फायर खेल रहे हैं और आज हम जो मैच करने वाले हैं मतलब अभी हम पिस्टल चैलेंज करेंगे। एक गन की हमारा जो मोड होगा वो होगा क्लैश स्क्वाड मोड है, उसमें हम गन गेम चैलेंज कर मतलब गन गेम बोल रहा हूँ मैं, और पिस्टल चैलेंज करने वाले हैं जो है मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब सामने वालों के पास टॉमी AWM M249 जैसी गन्स होती है ना, तो भाई तुम्हारे पास और एक पिस्टल, सच कह रहा हूँ भाई हालत ख़राब हो जाती है उस टाइम। तो हमारा गेम हो चुका है लोड और ये जल्दी से लोड हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ जो ऊपर जो काइन मास्टर का वाटर मार्क है ये क्यों आ रहा है। एक्चुअली मेरा जिससे मैं अपनी वीडियो एडिट करता था वो हो चुका है अभी ख़राब, तो उसको ठीक होने में वो ठीक होने गया, वो आई थिंक कल तक ठीक होके आ जाएगा वो, तो इसलिए आज एक इस वीडियो में ही आप काइन मास्टर का बस ये वाटर मार्क झेल लो, उसके बाद आपको वाटर मार्क नहीं दिखेगा। तो आई एम सॉरी फॉर दैट वाटर मार्क। तो चलो अभी अपन लोग इस पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो अभी देखते हैं अपने को किसको मारने का है। ओके तो एक मिनट मैं यहाँ करके आ रहा हूँ। इधर देखो भाई वहाँ से कोई अच्छा वो बंदा है, चलो उस पर स्कोप खोलते, स्कोप को खोलो, खोल खोल बेटा खोल। तब चलो दिखाएंगे एक लग जा यार। पता है इन लोगों का समझ नहीं आता, पता है मेरे को ये पसंद नहीं आता जो कि भाई ये मेरे को इसलिए पबजी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि भाई उसके अंदर एटलीस्ट तुम कोई भी कैरेक्टर खरीद लो, कैसा भी कैरेक्टर खरीदो सब सेम होते हैं, सबके सब सेम होते हैं, लेकिन भाई इधर ऐसा नहीं होता, इधर कैरेक्टर बदल जाते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ कि कैरेक्टर ये दिक्कत नहीं है कि कैरेक्टर बदल जाते हैं, उनकी एबिलिटीज से दिक्कत है। जैसे देखो मेरे को किसकी एबिलिटी, मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस वाले की एबिलिटी से, देख रहे हो ये रोनाल्डो वाले की, क्योंकि भाई इसकी एबिलिटी ये है कि भाई ये अपने आगे शील्ड लगा लेता है और तुम कोई मार नहीं पड़ते, तो इसका मतलब सीधा मतलब क्या है फ्री फायर वालों को, मतलब जिनके पास पैसे नहीं है वो तो कभी चिकन ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है मतलब बोवरा कर ही नहीं सकते क्योंकि भाई क्योंकि वो तो ये कैरेक्टर खरीद नहीं पाएंगे रोनाल्डो का, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। यार ये तो गलत है यार, वैसे हेल्थ काफ़ी कम कर दी उस बंदे ने, हीलिंग लगा लेते हैं जल्दी से। और सच कह रहा हूँ भाई इस पर बहुत गंदी पिटाई होने वाली है, ओके वहाँ पर दो नौके मेरे दो नौके इस्तेमाल थे बिल्कुल, ओके नहीं हुआ वो खेल मेरी ऑलमोस्ट ये टूट गई है, बस टूट ही चुकी है ये पूरी तरह से, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है इतनी यार। चलो ये देखो आगे देखो 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 लफंगे लोग, भाई यार मारूंगा तीन है मरता यार, मेरे को यार डेजर्ट ईगल लेनी चाहिए थी इस टाइम पे तो शायद बच जाता मैं, डेजर्ट ईगल होती हाथ में, तो कोई बात नहीं यार कुछ नहीं कर सकते अभी हम लोग। तो जल्दी से G18 उठाते हैं, वेस्ट उठाते हैं, अपनी हेलमेट उठाते हैं और चलो भाई खेलते हैं फिर और देखते हैं कि अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं अपना। ये अब तुम सोच रहे होगे कि मैं डेजर्ट ईगल क्यों नहीं उठा रहा जब पैसे हैं और वो इतनी महंगी, और वो मतलब इतनी महंगी का नहीं है इतनी सब, वो पावरफुल है क्योंकि वो एक एक बुलेट में 90 या फिर अनन 100 का डैमेज देती है, तो उसको क्यों नहीं उठाया। तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि भाई वो गन जो है ऑटो पे नहीं चलती है और ये ऑटो पे चलती है, तो मैं इसी को उठाऊंगा, ऑब्वियस है ऑटो वाली को ही उठाएंगे हम लोग क्योंकि उसको नहीं उठाएंगे क्योंकि ऑटो पे नहीं चलती है, तो सिंपल रीज़न होता है। चलो अभी इसको मारते हैं, इसका अंधे का गेम स्टक हो रहा है बहुत ज़्यादा, आई थिंक मेरा हो रहा है, मेरा पिंक 500 का आ रहा है, वो 999 प्लस हो गया यार, सच कह रहा हूँ भाई। अपने घर पे राउटर लगा लो कुछ भी कर लो फिर भी भाई इतने की स्पीड आ रही है, तो बता मैं राउटर लगा रहा था 1 GBPS की स्पीड आती है, शायद 400 MBPS की स्पीड आती है उसके ऊपर, और भाई फिर भी नहीं लिटरली फिर भी इतना हाई पिंग मिल रहा है। अब तुम ही सोचो यार क्या ही है, एक मिनट यार कहाँ से मारा, कहाँ से एक मिनट कहाँ से मार रहा है ब्रो भाई, कहाँ से मारा इसने, ओके ऊपर बैठा है पागल, नहीं तो ऊपर बैठा हुआ था इस लफंगे की, तो यार ओके उसने उसकी शील्ड तोड़ दी लॉल अर्जुन की लॉल। अबे बेटा अर्जुन जी थोड़े कपड़े पहन लीजिए, नंगे घूमना गलत बात होती है, थोड़े कपड़े पहन के रखा है कैरेक्टर को तुम्हें नहीं मालूम है, ओके कोई नहीं है अभी तो चलो भाई इसको मारे अब हम, इसको मैं नहीं ये किसको ये उसको मार देगा जल्दी, यार तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, और उसकी इतनी सी हेल्थ रह गई थी एक या दो गोली और मार देते तो मर जाता, लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा छोड़ दो नहीं होगा तुमसे। तो देख सकते हो मैं अभी भी पिस्टल ही ले रहा हूँ, मैं कोई भी टॉमी जैसी गने नहीं ले रहा हूँ, तो भाई
चलो ये सब तो ठीक हो गया, अभी ये वेस्ट बाय करते हैं जल्दी से। अपन ने गन बाय कर ली यार, हार ही गए थे यार लास्ट मैच में। भाई क्या ही कर सकते हैं जब, छोड़ो यार, तीनों ने साथ में मिलके मारा, छोड़ो छोड़ो। तो अभी अपन लोग जो है इस राउंड को खेलते हैं, और इसमें तो भर देंगे, मतलब भर देंगे इसमें तो, पक्का भरूंगा मैं किसी ना किसी को तो। नहीं, भर दिया जाऊंगा, भर दिया जाऊंगा, माफ़ कर दो, माफ़ी माफ़ी दो भाई, माफ़ी माफ़ी बेटा। देखो देखो, यही मुझे पसंद नहीं है, लिटरली उसको अभी मैं मार चुका होता, नहीं मजाक से हट के उसको ही मैं मार चुका होता। ये शील्ड क्यों भाई, क्या मज़ा आता है तुम्हें शील्ड बनाने में, मुझे तो कभी अच्छी नहीं लगी ये शील्ड, पहले इससे और उल्टा गड़बड़े और होती है। और देखो साफ साफ था उसको पूरा डैमेज मेरा था, मतलब उसको पूरा का पूरा डैमेज मेरा लगा था, और किल उसको मिल गया। क्यों भाई, नहीं भाई क्यों, मेरी 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 कोई फीलिंग नहीं है, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। साडा कुत्ता टॉमी, तुहाडा कुत्ता कुत्ता, नहीं एक मिनट, तुहाडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, तुहाडा कुत्ता, तुम्हारा पेट टॉमी, साडा कुत्ता बिल्ली, बिल्ली का नाम एल्सा रखा था। और मैं पहले, और मैं, अरे हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो आप इसका नाम देख पा ले हो, ये अचल में मैंने इसलिए लिखा है, इसका नाम एल्था इसलिए लिखा है क्योंकि तुम सोच रहे हो डिज्नी की प्रिंसेस का नाम लिख दिया है, एक्चुअली ये मेरे को लगा था मेरे को कुत्ता मिलेगा, ठीक है ना, तो कुत्ते का नाम मैंने पूरे अच्छे से डिसाइड करके रखा था, लेकिन इसका नाम नहीं रखा था। कुत्ते का नाम रखा सोचा था मैंने डेविल्स डेड, लेकिन इसका नहीं सोचा था, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे, तो मैं सोच रहा अभी क्या नाम रखना चाहिए, मतलब मैं इतनी देर सोचा इसका क्या नाम रखे क्या नाम रखे, क्योंकि बिल्ली है, बिल्ली का कोई अच्छा सा नाम रखना पड़ेगा। तो भाई मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने वो एल्सा का एक पोस्ट आया, ठीक है, डिज्नी प्रिंसेस का, ठीक है। तो मैंने चेकआउट करा और फिर मेरे को लगा यार ये नाम अच्छा ही है यार, तो इसलिए मैंने ये नाम डाल दिया। यार इसका नाम ऐसे ओलाफ रखते तो बेटर होता नहीं। अच्छा चल छोड़ो यार, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी अपन लोग गेम खेलना है, तो तू भी मर मर जा, मर गया। ओके तो चलो जल्दी से सिरिंज लगा लेते हैं अपनी, क्योंकि भाई बड़ी हकम हेल्थ है और हम, अच्छा मेरे को सिरिंज नहीं लगानी पड़ी, उसने रिवाइव दे दी। ओ शेट शेट, मारा गया मारा गया मारा गया, ओके मैं बच जाऊंगा, मेरे को मालूम है वो भी मेरे ऊपर अटैक करने की कतई कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने सिरिंज लगाई, हम इधर आए और अपने बंदे को रिवाइव दिया। इस बार तो पक्का बूया लूंगा, और जो मेरे पास गन्स हैं उनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैंने उनको अभी तक यूज़ नहीं करा है, वो आपने भी देख लिया। और डीजे आलोक भाई लाओ यार, रिवाइव दो, मेरे को डीजे आलोक की एबिलिटी अच्छी लगती है, मतलब अच्छी है डीजे आलोक की, लेकिन उसकी नहीं है यार, रोनाल्डो की। वो शील्ड खड़ी कर देता है ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे वो शील्ड अच्छी नहीं लगती भाई। क्या यार तुम, मतलब किसी बंदे को मार चुके हो, एक HP बाकी है, उसने शील्ड लगा ली, ये तो मतलब कुछ भी है यार। तो ये फेयर गेम प्ले कहाँ हुआ, ये तो फिर पेड ही हुआ, मतलब एक हिसाब से जैसे बाकी गेम्स होते हैं, और फिर तुम इसको फेयर गेम प्ले कहते हो यार, ये तो गलत बात है। तो अभी हो जैसा मैंने कहा था, हम लोग विक्ट्री करेंगे, हम तीन में से एक बार जीत चुके, सच कहूँ ना, अगर इस टाइम पे मेरे हाथ में टॉमी या वेक्टर्स डबल वेक्टर होती ना, मैं अभी भी डबल वेक्टर ले सकता हूँ, लेकिन अगर उस टाइम मेरे, अभी इस टाइम मेरे हाथ पे डबल वेक्टर होती ना, मैं नॉट जोकिंग सबको मारता, लिटरली सबको मार चुका होता मैं अब तक। लेकिन अपन लोग कुछ कर नहीं सकते ना, मैं लिटरली मार चुका होता, ये तीन इस तरफ होता और एक उस तरफ, अगर मेरे पास डबल वेक्टर होती तो, लेकिन हमारे पास तो डबल वेक्टर है ही नहीं, किस्मत ही खराब है। और ये पिस्टल चैलेंज यार, एक बार बताओ, क्या हमें सिर्फ अपने एनिमल्स का ही नेम दिखता है, मतलब मुझे एक बात बताओ, जिसको मालूम है कमेंट्स में बताओ, क्या हमें दूसरे दूसरे के एनिमल्स का निकनेम नहीं दिखता है क्या, मुझे भी जानना है यार दूसरे एनिमल्स का निकनेम। अभी ना हम लोग ना कुत्ता ही पालेंगे, बिल्ला ही पालेंगे, बिल्ला बिल्ला भी पालेंगे हम लोग, बिल्ला बिल्ला बिल्ली तो पाल रखी है, साडा कुत्ता टॉमी, साडी बिल्ली बिल्ला, साडी बिल्ली एल्सा। वो एल्सा एक काम कर, सामने बर्फ फेंक, वो देख, पता है यहाँ पे ना हम लोग, यहाँ पे भाई हमें फुल
फ्रोजन पावर्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारी फ्रोजन पावर है, हम बस ग्लो वॉल खरीद के उसको खड़ा कर देते हैं। हम लोग क्या इंसान से कम है क्या, हम लोग भी ग्लो वॉल खड़ा कर देते हैं। कौन से टॉपिक को लेकर बात करो यार, देखो देखो देख रहे हो, उसको अभी तक मैं ख़त्म कर चुका होता, उसने ग्लो वॉल, उसने अपनी शील्ड लगा ली, उसके आगे ग्लो वॉल लगी, तो ग्लो वॉल से मेरे को कतई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ग्लो वॉल, लेकिन उसकी शील्ड अच्छी चीज़ नहीं है यार, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। या फिर एक काम करो, जो अपनी शील्ड लगाएगा वो ग्लो वॉल यूज़ नहीं कर सकता तो अच्छा है ना, किसी के ग्लो वॉल का कवर ले सकता है, नहीं यार ऐसा नहीं है ना, वो ग्लो वॉल नहीं लगा सकता, जिसके रोनाल्डो ग्लो वॉल नहीं लगा सकता, उसके पास ग्लो वॉल लगाने के लिए एबिलिटी नहीं है। ओके तो ये ऐसा कुछ था यार, बूया चाहिए यार इस बार। ओके तो ये, ओ यस विक्ट्री, और आखिर तुम्हारे भाई ने एक को तो मारा, मतलब एटलीस्ट उसने एक किल तो मार ही दिया, बहुत मुश्किल था ये, लेकिन तुम्हारे भाई ने पूरी मेहनत लगन और ताकत से एक किल ले लिया। वैसे पता नहीं कौन सी मेहनत, कौन सी लगन, कौन सी ताकत लगी मुझे एक किल लेने में, लेकिन किल ले लिया भाई। किल मेन चीज़ है, किल मेन चीज़ है भाई। 70 की पिंग आ रही है, उठा लेते हैं भाई, देख लो तुम्हें मैं खुद साफ साफ खोल के दिखा दे रहा हूँ कि भाई मेरे पास कोई ऑटोगन नहीं है, मतलब कोई भी असॉल्ट राइफल, कोई भी राइफल नहीं है मेरे हाथ में, है तो बस ये मेरी छोटी प्यारी पिस्टल, जिसको मैं चला के पिस्टल चैलेंज कर रहा हूँ इस जगह पे, और हारने की तैयारी भी बना रहा हूँ भाई, सच कह रहा हूँ, अब तक मैं जीत चुका होता। ओके ये क्या है, उस पर देखते हैं। ओके नहीं हुआ एम। ओके वो ऊपर खड़ा हुआ है तो उसको मारते हैं एम करके। 90 67, एक्चुअली मेरे पास ग्रेनेड्स भी तो हैं यार। ओ शिट शिट, बहुत हेल्थ, बहुत हेल्थ, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ओके पीछे से भी कहीं से गोलियां आ रही है, बच के रहना पड़ेगा यार। एक हेल्थ लगा लेता हूँ, पता नहीं होगा, एटलीस्ट गोलियां चली तो कुछ देर तो बच जाऊंगा मैं। चलसा को भगाओ यार, यहाँ से निकल चल, कुछ काम की तो है नहीं। ओके तो हम वहाँ पे, हमारा एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है। ओके हमारे पास ग्रेनेड्स है तो क्यों ना हम उस जगह पे ग्रेनेड फेंक दे, फेंको। क्या ही लफंगा है साले, तेरे से ग्रेनेड भी नहीं फेंका जा रहा यार, ग्रेनेड फेंकने का स्टाइल देखा है, ग्रेनेड फेंक रहा है, बम ग्रेनेड फेंक रहा है, बॉल फेंक रहा है भाई, भाई पैड बॉल नहीं चल रहा यहाँ पे, ग्रेनेड फेंकना है बॉल नहीं। ओके ओ भाई गए गए, यहाँ पे तीन है और मैं अकेला हूँ। नो 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 नो, देखो मतलब भाई एक अकेले बंदे से भी लड़ने में इनको इतना डर है कि ये शील्ड लगा रहे हैं, और वो पिस्टल वाले से, और फिर हंस रहे हैं भाई। लालच तुम लोगों पे है भाई, तुम एक अकेले बंदे से लड़ रहे हो, खुद तीन हो और ऊपर से शील्ड भी लगा रहे हो, और सामने वाले में पिस्टल है, और मेरा डैमेज देखो यार, छोड़ो यार, बहुत कम डैमेज है वैसे भी, छोड़ दो यार, मैं वैसे इतना लफंगा आदमी हूँ, लफंगा आदमी वैसे हो गया मैं, अबे मैं पागल हो गया यार, गलत चीज़ गलत मुंह से निकल जाती। मैं वैसे ही फ्री फायर खेलने में अच्छा नहीं हूँ भाई, गलत चीज़ गलत टाइम पे निकल जाती है, खुद को गाली दे देगा यार, खुद को गाली कैसे दे सकता हूँ यार मैं, कैसे कैसे हो सकता है यार, छोड़ो यार। तो अभी हम रीमास्टर बरमूडा खेल रहे हैं, पता नहीं है रीमास्टर बरमूडा, मैं अभी अभी नोटिस करा मैंने, कब पता नहीं कब नोटिस नहीं करा था ये, तो मैंने रीमास्टर बरमूडा आई थिंक बहुत पहले आ चुका है, लेकिन मैंने अभी नोटिस करा, तो चलो फिर खेलते हैं रीमास्टर बरमूडा को। तो हमारा ये जल्दी लोड हो जा। अबे रोनाल्डो बेटा, कौन सी शादी हो रही है तुम्हारी रोनाल्डो जी, साले हर जगह शील्ड लगा के बैठ जाते हो रोनाल्डो। एक काम करते हैं, सामने रोनाल्डो है, एक मिनट उसके पास भी वही सेम है। ओके ओके वो मेरी थी, उसके पास घड़ी हुई थी तो मेरे को लगा अबे सेम सेम टू सेम कैसे हो गया। अच्छा कोई नहीं, चलो अभी रोनाल्डो बाबा के पास जाके एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं उससे, जिससे हमारा मतलब वो DP का कवर बन जाएगा, एक अच्छा सा स्नैपशॉट लेते हैं। ओके ये जस्ट, और एक इमोट मारते हैं कोई बढ़िया सा, ये वाला हट यार गलत खिंच गई वो, भाई भाई हाथ उठा के करो, मैं नहीं दिखाऊंगा मैं नहीं खिंचवाऊंगा, मैं नहीं खिंचवाऊंगा रोनाल्डो भाई, क्यों तुम्हें रखा ही, इसलिए उसने हाथ ऊपर करके ऐसे हिला दिया, मैं नहीं खिंचवाऊंगा, मैं नहीं खिंचवाऊंगा अभी मेरा बंदा, मैं तो खींचूंगा, मैं तो खींचूंगा। तो अभी हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जाएंगे फैक्ट्री, नहीं है कोचिंग की,
पोचुंकना की फैक्ट्री, फैक्ट्री नहीं पोचुंका, नहीं पोचुंका नहीं जाएंगे हम लोग कन्फर्म, 101% हम यहीं जाने वाले और यहीं पर ही मर के आएंगे वापस, एज वी ऑल नो, क्योंकि हम मरे लोग हैं तो हम मर जाते हैं वहाँ पर जाके, क्योंकि हमें खेलना नहीं आता है। एक मिनट यार, यार मैं तो उड़ता हुआ आगे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ स्केटबोर्ड के ऊपर जा रहा हूँ। मैं दो चीज़ें पूछनी है, पहली चीज़ तो इस स्केटबोर्ड पे ग्रेविटी असर नहीं करती है, सेकंड चीज़ भाई इस बिल्ली को उड़ने की ताकत कौन दे कर गया? अबे तेल को कौन उड़ने की ताकत दे कर गया, तुझे किसने उड़ना सिखाया? चलो अभी बिल्कुल छत पे लैंड करेंगे, और ये हुआ हम छत पे लैंड, एक्चुअली छत पे लैंड करना था, ये नहीं बोला था कि मैं लैंड करूँगा कि मेरी बिल्ली, तो मेरी बिल्ली लैंड कर गई ना, वो टेलीपोर्ट होके वापस मेरे पास नीचे आ गई, मैंने देख लिया, लेकिन मेन रीज़न क्या था? छत पे टेलीपोर्ट हो, छत पे जाना, तो वो छत पे पहुंच गई, मेन रीज़न ख़त्म। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा लूट है नहीं, ओ चलो उस टायर से चाहे तो वापस वापस छलांग लगा सकते हैं, वहाँ पे टायर है, बूम, ओके तो शायद हम इससे ऊपर जा सकते हैं, बूम, अभी देखो जाऊंगा, 3 2 1 और बूम। भाई ये क्यों कर तू? ओके एक और एक थोड़ा ट्राई, बिल्कुल नहीं देने वाले हम, सीधा सामने वाले घर में जाएंगे और जाके वहां पे ऑब्वियसली लूट करेंगे, तुम क्या सोच रहे हो? वहां पे जाएंगे और लूट करेंगे, और लूट करके बंदों को ढूंढेंगे, उनके हेडशॉट बजाएंगे, उनके हेडशॉट बज जाएंगे, वो मर जाएंगे, जितना आसान लग रहा है उतनी आसानी से मैं मारा जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं, तुम्हारा भाई मर जाएगा और क्या होगा? उसके बाद हम लॉबी में पहुंच जाएंगे और हमें एक गन मिल जाएगी ऐसी, उस गन को हम उठा लेंगे, फिर से हम बेकार लोगों की तरह मैच शुरू कर देंगे, और मैच शुरू करके हम स्कारल उठाएंगे, जो मेरे को अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों नहीं लगती है। हम फिर स्कारल को लेकर जाएंगे, बाहर निकलेंगे दरवाजे से, एक मिनट तो फर्स्ट है, ओके ओके, नो 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 नो, ओ भाई ओनली 33 HP लेफ्ट, हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी यार। यार देखो इसलिए स्कारल पसंद नहीं है भाई, सामने वाले पे ये गन थी फिर भी उसने मुझे पेल दिया। अब तुम बताओ सामने वाले की तुम गन, देखो मुझे मालूम है वो घटिया सी कोई गन चला रहा है, लेकिन अभी तुम ही देख लो कौन सी गन चला रहा था। अच्छा मुझे भी नहीं मालूम उसका गन कौन सी थी, लेकिन इतना मालूम है कि घटिया ही गन चला रहा था वो, और उसने उस गन से उसने मुझे इतना डैमेज दिया है, मुझे स्कारल की इज्जत ही नहीं छोड़ी उन्होंने। स्कारल लेके हम भाई, इनकी इज्जत नहीं है इस गेम में। क्रेट कहाँ है? एक मिनट क्रेट कहाँ है साले की? अबे एक मिनट क्रेट किधर है? अबे क्रेट किधर है? ओके ओके वो रही वो रही, हाँ उस तरफ क्रेट बनी है, लेकिन मैं उसको अब लूटूंगा कैसे? पास चिपक के देखो उस क्रेट के, ओ यस, तो देख सकते हो एक शॉटगन और एक फमास चला रहा था, एक्चुअली उस कार नहीं चला था, उसके हाथ में उस टाइम फमास थी, और फमास से उसने मेरी ये हालत कर दी यार, बेइज्जती की भी हद होती है यार। कोई नहीं अभी हम देखते हैं वो बंदा हमें व्यू हो जाए तो अच्छा होगा। कौन सा, मेरे पास कोई 2x 3x नहीं है क्या? नोप नहीं है मेरे पास कोई 2x 3x। वो बंदा मुझे दिख जाए एक बार फिर बताता हूँ मैं उसको, तुम देखना कितना बुरी तरह से मैं भर जाऊँगा उसके हाथों, तो देखते रह जाओगे कि वो मेरे को कितनी बुरी तरह से मार देगा। अरे कौन मार रहा है? अच्छा अच्छा शाणे शाणे, ओके उसको डैमेज दिया मैंने ठीक ठाक। अबे किधर गया भाई, किधर गया, किधर गया यार? छोड़ो यार जाने दो उसको, एक बार ऊपर जाकर चेकआउट करे तो वहाँ से दिखता है तो ठीक है, वरना भाड़ में जाए अपने को क्या है, भाड़ में अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वैसे जनता का मतलब ये लोग है और अपना काम बनता, आप मत समझ लेना भाई, आप तो सबसे बेस्ट हो मेरे लिए। तो भाई वहाँ पे देख पा रहे हो कि तुम एक, नहीं वहाँ वहाँ पे कोई नहीं है यार, वो था कौन, किधर गया, किधर कैसे आया, कुछ मालूम नहीं है। एक काम करता हूँ यहाँ पे लेट जाता हूँ, TPP लूँगा, FPP लूँगा मैं, FPP लूँगा।
टीपीपी ले कि एफपीपी ले? वैसे मुझे टीपीपी एफपीपी आज तक लेना आया ही नहीं, मैं डायरेक्ट रश खेलता हूँ बस। कभी कभी सेफ खेलते हो तभी थोड़ा बहुत सेफ खेल रहा, वरना मैं डायरेक्ट रश खेलता हूँ। मेरा कुत्ता है यार, उसका मैं नाम रखूँगा डेविल्स रेड। डेड नहीं, डैड, डेविल्स डैड कुत्ते का नाम। अभी जिसने कमेंट में ये लिखा कि वैसे मैं वो वर्ड बोलना चाहता नहीं हूँ कि मतलब जो डॉग का फीमेल वर्जन होता है ना उसको हिंदी में जो भी बोलते हैं, तो अगर वो आया तो उसका नाम क्या रखूँगा? पहली चीज़ तो फ्री फायर में सिर्फ ऐसा कुत्ता है ही नहीं, जितने भी है सब मैकेनिकल है, ठीक है ना? तो उनको मैं सिर्फ कुत्ता बुलाऊंगा, उनको मैं वो नहीं बुलाऊंगा, बिकॉज यू शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स। पता नहीं क्यों हमें कुत्तों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके तो वो गाड़ी भाग के वापस ले आया एज पर एक्सपेक्टेड। नहीं भाई, इन लोगों को तो महानता है, स्टंट करेंगे, हम तो गाड़ी से कूद जाएंगे। अब तुम देखना, बस तुम देखना मैं उसको कितना मारूंगा और वो मुझे कितना मारेगा। देख लो, मैं पहले घुसा, पहले फायर मैंने करा, तुमने देख लिया कितना बुरा फायर हुआ उसके ऊपर। लेकिन फिर भी उसने सिर्फ अपनी गन निकाल के मेरे को सिर्फ 4 HP का छोड़ दिया, उसने इतना मारा। और गन कौन सी थी वो मैं नहीं बता सकता हूँ, कि मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट मर चुकी है और मेरे को हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, मेरे पास हील्स बिल्कुल नहीं है। छत पे आके चेकआउट करता हूँ, कहीं हील्स थोड़ी बहुत हो तो। हील्स है भाई, हील्स है कहीं यार? बिन ओ, वहाँ पे गोलियाँ और चल रही हैं। हे भगवान, यहाँ पे शायद थोड़ा सेफ हूँ क्योंकि सामने एक बंदे की आवाज़ आ रही है, लेकिन पीछे से भी एक बंदे की आवाज़ आ रही है। मुझे 1 मिनट, ये तो वही है ना जिसको मैंने डैमेज दिया था? और 1 मिनट, इसने मुझे नीचे से मारा घर के। व्हाट द, छोड़ो यार, किस्मत ही ख़राब है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तो गुड बाय, सब्सक्राइब।